नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। तो दर्शकों, आज हमारा विषय रहने वाला है कि जन्माष्टमी के दिन ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि जिनसे जीवन के अंदर हमें लाभ मिले। बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनके ऊपर मैंने शोध किया और जन्माष्टमी के ऐसे उपाय निकाल करके आपके सामने रख रहा हूं कि जिन्हें करने से आपको तुरंत प्रभाव से लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बोलता भी हूं ये चीज कि कोई भी छोटा सा उपाय किसी महत्वपूर्ण किसी विशेष योग के अंदर अगर किया जाए तो छोटा सा उपाय भी बहुत बड़े बड़े लाभ हमें दे करके चला जाता है। योग की बात होती है, जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा योग है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, भगवान ने अवतार लिया था धरती पर। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले आप सभी से निवेदन, क्योंकि आप भूलते हैं हर वीडियो में मुझे सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना। हमें भी हमारा भी उत्साहवर्धन होता है जब आप प्यार देते हैं किसी भी वीडियो को। तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों में, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कर्जा हो चुका है जीवन के अंदर, पैसे की तंगी आ चुकी है, कर्ज मुक्ति चाहिए, पैसे की प्राप्ति कैसे हो, मेहनत करते हैं पैसा नहीं आता, कर्जे की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मकान दुकान इत्यादि प्रॉपर्टी इत्यादि बिकने की कगार पर है। विश्वास मानिए, कोई भी उपाय है विश्वास पर टिका होता है। आपकी जितनी श्रद्धा होगी उतना अधिक लाभ आपको वो उपाय दे करके जाएगा। क्या करना है आपने जन्माष्टमी के दिन पैसे की तंगी को दूर करने के लिए? दक्षिणवर्ती शंख आपने लेकर के आना है, सप्तमी में ले आइए, उससे पहले ले आइए, कभी भी ले आइए। दक्षिणवर्ती शंख कितना भी बड़ा साइज हो आपको आसानी से मिल जाएगा बाजार से। दक्षिणवर्ती शंख को अष्टमी को सुबह, जन्माष्टमी को सुबह आपने स्नान कराना है गंगा जल से और दूध से। उसे लक्ष्मी स्वरूप मान करके, श्री स्वरूप मान करके, दक्षिणवर्ती शंख जो होता है वो महालक्ष्मी स्वरूप ही होता है, उसे महालक्ष्मी स्वरूप मान करके आप किसी भी लाल कपड़े के ऊपर अपने घर में विराजमान कर लीजिए। कमल का पुष्प चढ़ाइए, अगर नहीं मिलता तो कोई समस्या नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। लाल कपड़े के ऊपर दक्षिणवर्ती शंख को दूध और गंगा जल से स्नान करवा करके शुद्ध करके आप रख लीजिए। उसके बाद महालक्ष्मी स्वरूप मान करके वहां एक जोत जगाइए और महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए। प्रतिदिन इस दक्षिणवर्ती शंख की आप दर्शन कीजिए, सुबह स्नान उपरांत प्रतिदिन इसकी पूजा कीजिए। यकीन मानिए, ये जन्माष्टमी का ऐसा योग है कि अगर घर में दक्षिणवर्ती शंख आपने स्थापित कर लिया और प्रतिदिन दर्शन करने इसके शुरू कर दिए तो स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर में बरकत अपने आप होती हुई चली जाएगी। पैसे में, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, किसी भी सदस्य की आपस में नहीं बनती, नेगेटिविटी का माहौल सा आपके घर के अंदर बन चुका है, तो जन्माष्टमी की सायंकाल को, जन्माष्टमी की शाम को आपने तुलसी, आपके घर में होगी नहीं होगी तो आप स्थापित कर लीजिए, तुलसी का पौधा किसी गमले में लगा लीजिए। तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी है आपने, 11 बार क्लॉकवाइज आपने तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी है और वहां कपूर जलाना है आपने, किसी भी कटोरी में किसी भी बर्तन के अंदर कपूर रख करके जला दीजिए। माँ तुलसी को आपने प्रणाम करना है, उसके बाद आपने एक कमल का पुष्प तुलसी के पौधे पर अर्पण करना है, घर के अंदर से तंगी तुरंत प्रभाव से समाप्त होगी। और उसके बाद प्रतिदिन आपने तुलसी पर एक दीपक जरूर लगाना है, देसी घी का। आगे बढ़ूं, संतान नहीं हो रही, संतान संबंधित समस्याएं हैं, विवाह नहीं हो रहा, विवाह संबंधित समस्याएं हैं, पुरुष हो या स्त्री कोई भी इस उपाय को कर सकता है, संतान संबंधित समस्या में भी और शीघ्र विवाह के लिए भी। आपने चावल की खीर बनानी है जन्माष्टमी को सुबह के समय ही स्नान उपरांत। चावल की खीर में आपने केसर डाल लेना है, केसर मिश्रित चावल की खीर बना करके गौशाला जाइए, गाय और बछड़े दोनों को
गऊ और बछड़े दोनों को आपने ये खीर खिला करके आनी है और गौ माता से वहीं आपने प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति की या शीघ्र विवाह की, जो भी आपकी कामना होगी जल्द से जल्द पूरी होगी। अब बात करें जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मुख्य विषय हो रहा है ये, खासकर उत्तर भारत के अंदर तो होड़ मिच गई है बच्चों को विदेश जाने की, साथ ही एजुकेशन में दिक्कत आ रही है या नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की ट्राई कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो क्लियर नहीं हो रहा है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही या विदेश, उसके लिए हमें जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करना चाहिए। आपने जन्माष्टमी के दिन में ही कनेर के पुष्प एकत्रित करने हैं, पीले पुष्प, पीला कनेर का पौधा ढूंढिए, पीले कनेर के पुष्प इकट्ठे करने हैं 108 और पीले धागे में ही इन्हें पिरो लेना है। 108 कनेर के पीले पुष्पों की आपने माला बनानी है और कृष्ण जन्म के समय यानी जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे भगवान का जब अवतार होगा, कृष्ण जन्म के समय आपने भगवान कृष्ण को ये पुष्पों की माला अर्पित करनी है। तुरंत प्रभाव से रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, वही बात, श्रद्धा अपनी पूरी रखिएगा। साथ ही ये उपाय वे लोग भी कर सकते हैं जिनको ये बताया गया है कि आपके घर में प्रेत बाधा है, पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर, पितरों से पीड़ित है आपकी कुंडली, पूर्वजों की शांति के लिए, पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आशा करता हूं अच्छी लगी होगी आपको जानकारी, तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर कुंडली आप अपनी दिखवाना चाहते हैं मेरे से फोन पर, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पर भी आपके आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। नमस्कार।